हेलो दोस्तों, मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। और आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 यानी भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में बात करेंगे आज हम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था संविधान क्या है, अधिकार क्या है, और इसके विस्तृत इंट्रोडक्शन हमने पहले वीडियो में दिया है। जिस भी विद्यार्थी ने पहले वीडियो नहीं देखी है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं और अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं ताकि आपको ये चैप्टर समझने में और भी आसानी और सहूलियत हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान में अधिकार के, और इस अधिकार में हम चर्चा करें भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, यानी इस मौलिक अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। व्यक्तित्व के विकास का मतलब उससे कहने का तात्पर्य है कि हमें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है, और उस गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकार हमारी मदद करते हैं। तो यही है मौलिक अधिकार, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि आपको मौलिक अधिकार कितने होते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। यानी तो इसी प्रकार से हम बात करेंगे, 7 मौलिक अधिकार हैं। जिन 7 मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर? तो दोस्तों आप बात करते हैं मौलिक अधिकार के महत्व के बारे में। आखिर क्या महत्व है और इसे हमारे संविधान में शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था? महत्व समझते ही आपको उद्देश्य साफ साफ पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये व्यक्ति जीवन संपत्ति व स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। व्यक्ति जीवन संपत्ति की रक्षा करने का मतलब यह है कि ये मौलिक अधिकार हमारे व्यक्तिगत रूप से और संपत्ति की, और जिसे हम कहते हैं लाइफ, यानी हमारे जीवन की पूरी तरह रक्षा करते हैं। यानी हम स्वतंत्र हैं अपने जीवन जीने के लिए, हम स्वतंत्र हैं अपनी संपत्ति के संरक्षण के लिए, हम स्वतंत्र हैं कहीं भी आने जाने के लिए। ये पहला महत्व है हमारे संविधान का। चलिए, ये अधिकार शासन को निरंकुश होने से बचाते हैं। ये अधिकार शासन को निरंकुश होने से बचाने का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये किसी भी सरकार को ना तो इतना ज़्यादा निर्दयी होने देते हैं और ना ही इतना ज़्यादा निरंकुश होने देते हैं कि वो हमारे अधिकारों का पूरी तरह से हनन करते, यानी एक प्रकार से रक्षा प्रदान करते हैं, और वो उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं अधिकारों के माध्यम से शासन करते हैं जो भारतीय संविधान में दिए गए। यानी अलग से कोई अधिकार नहीं और अलग से उनके पास कोई शक्ति नहीं, उनके पास शक्ति है तो वह उन्हीं संविधान से मिली है जिस संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। चलिए, विकास का अवसर प्रदान करते हैं। क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार में क्या प्रदान करते हैं? विकास का अवसर। यानी विकास का मतलब क्या है? यानी विकास का मतलब यह है कि व्यक्ति जो है ना अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। वो मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान, या वो आवश्यकताएं जो आपके ना विकास के लिए जरूरी हैं। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र आचरण करने की स्वतंत्रता विकास के लिए बहुत जरूरी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विकास करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना सही मायने में व्यक्ति स्वतंत्र है ही नहीं। और अगर आप अपने विचार प्रकट नहीं करेंगे तो आप स्वतंत्र मालूम होंगे नहीं, और स्वतंत्र होने के लिए विचार प्रकट होना बहुत जरूरी होता है। चलिए बात करते हैं विधि के शासन की स्थापना। जी हाँ, मौलिक अधिकार विधि के शासन की स्थापना करते हैं। विधि के शासन का मतलब होता है कि भारतीय संविधान हमें अधिकार प्रदान करता है और एक ऐसे शासन की स्थापना करता है जो इन्हीं अधिकारों के माध्यम से, इन्हीं संविधान के माध्यम से हम पर शासन करता है। यानी बिना अधिकार के कोई कानून नहीं और बिना संविधान के कोई अधिकार नहीं। करोटेड? चलिए, ये लोगों को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार लोगों को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर इस प्रकार से प्रदान करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष है उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है क्या दोस्तों? भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे मत देने का अधिकार प्रदान किया है। ठीक इसी प्रकार के प्रशासनिक की बात करें
तो प्रशासनिक होता है क्या दोस्तों, एक प्रकार से हम कहते हैं नौकरशाही, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक भारत की किसी प्रशासनिक सेवा में क्या कर सकता है, योगदान दे सकता है, यानी आप और हम में सभी क्या बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, उस प्रकार से प्रशासनिक कार्य में भी भाग देने का योगदान प्रदान करते हैं कौन, हमारे मौलिक अधिकार। चलिए अब विशेषताएं की बात करते हैं, विशेषताएं क्या है दोस्तों, यानी जो महत्व है अगर महत्व को थोड़ा सा और एलेबोरेट करें यार, हम थोड़ा सा और विस्तार दें इसमें, तो विशेषताएं बन जाती हैं। अब कैसे बनती विशेषताएं, तो बात करते हैं पहले विशेषता की, यानी ये असीमित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार का मतलब ये असीमित नहीं है, इस पर भी राज्य समय और आवश्यकता के अनुसार युक्तियुक्त क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। यानी आपको अधिकार है कि आप विकास कर सकें, लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी अधिकार है कि वो विकास कर सके, यानी आप किसी दूसरे का अधिकार हरण करके विकास नहीं कर सकते। चलिए, लेकिन ये वाद योग्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे वादा किया गया है, किसने वादा किया है, भारतीय संविधान ने, हमारे आईन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे वादा किया है कि ये भारतीय नागरिक को प्राप्त होंगे तो होंगे, कोई इसे हमसे अलग नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं राज्य के खिलाफ नागरिकों के प्राप्त अधिकार। तो राज्य के खिलाफ नागरिकों के प्राप्त अधिकार का मतलब ये है कि दोस्तों, ये जो हमारे मूल अधिकार हैं ये राज्य के ऊपर दिए हो जाते हैं, यानी राज्य इन मूल अधिकारों से ऊपर किसी भी प्रकार के कानून या अधिकार को लागू नहीं कर सकता जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि राज्य के ऊपर प्रदान किए गए अधिकार हैं, ये न्यायोचित हैं। दोस्तों क्या ये न्यायोचित है, न्यायोचित का मतलब होता है कि भारत के किसी भी नागरिक, यानी भारत के किसी भी नागरिकों का अगर किसी प्रकार के किसी भी कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधा कहाँ जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है, इस प्रकार से इसे न्यायोचित प्रदान किया गया है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी प्रदान की गई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारे अधिकारों का गारंटर है, हमारे अधिकारों का संरक्षक है, यानी मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है, हमारा उच्चतम न्यायालय, जिसे हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है कि मतलब यानी एक बार लिख दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा वैसे रहेंगे, इसमें भी समय और आवश्यकता के अनुसार क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेके चलूँ, तो केशवानंद भारती के बाद में ये निर्णय लिया गया था कि भारतीय मूल अधिकारों को, यानी जो भारतीय मूल अधिकार के मूल तत्व हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मूल तत्व में आपके कौन से हैं, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व, इससे जो मूल है तत्व इन्हें बदला नहीं जा सकता है, और बाकी के अधिकारों को बदला जा सकता है बशर्ते उन्हें विशेष बहुमत के आधार पर संसद द्वारा पास में, यानी संसद के माध्यम से पारित किया जाएगा, तभी वो क्या कर सकते हैं, उसमें बदलाव किया जा सकता है। यानी साधारण बहुमत के माध्यम से नहीं, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से, इसे कहा जाता है विशेष अधिकार बहुमत। अब दोस्तों बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही स्वतंत्रता जो हमें और आपको सबसे प्यारी, आज़ादी, फ्रीडम, आप कुछ भी कह लीजिए, स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है दोस्तों अनुच्छेद, अगर सही मानों में तो बात कर सकते हैं 19 से लेकर 22 तक, ये वैसे सही है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको अधिकार की जानकारी होनी चाहिए, तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास समानता का अधिकार है, जिसे हम समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो दोस्तों आप बताइए 14 में क्या होता है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, ठीक इसी प्रकार से 15 में क्या दिया गया है, धर्म और मूल वंश की स्वतंत्रता, दो धर्म और मूल वंश की समानता देखिए, नोट स्वतंत्रता देखिए, सॉरी 16 में क्या दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वो किसी भी लिंग से क्यों ना संबंध, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसे समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाता है, किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 16 में, और वो किसी भी सरकारी पद को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे अन्य किसी संबंधित हो, यानी आप भारत में क्या हो रहा है, भारत में ट्रांसजेंडर को भी ये अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, राइट। इसी प्रकार से आर्टिकल 17 में क्या दिया गया दोस्तों, 17 में दिया गया अस्पृश्यता का अंत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर में कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है, तो वह है दोस्तों अनुच्छेद 17 में।
अस्पृश्यता का अंत का मतलब यह होता है दोस्तों कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार के छुआछूत नहीं कर सकते हम, या उसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर मना नहीं कर सकते। इस प्रकार के अस्पृश्यता यानी जो प्राचीन काल में शूद्रों के साथ व्यवहार किया जाता था, वैसा व्यवहार अब नहीं किया जा सकता, यानी अस्पृश्यता का अंत पूरी तरह से। 18 क्या करता है दोस्तों, उपाधियों का, यानी भारत सरकार द्वारा समानता प्रदान कर दिया गया। किस प्रकार से? उपाधियों से। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान राजा महाराजाओं को अनेक प्रकार से उपाधियां प्रदान की जाती थी, अब उस उपाधियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पद्म विभूषण पद्म श्री के अलावा और आपके लिखित, यानी आप अगर PhD कर लेते तो इन जैसी उपाधि के अलावा आपको किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जा सकती, ना ही आप उन सभी उपाधियों को अपने आप नाम के आगे लगा सकते, जैसे ठाकुर, महाराज, राजा, दीवान साहब, ये सब जो उपाधि होती थी उसे अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया है, ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक क्या दिखाए, समानता के रूप में दिखाई दे। कोटेड। चलिए इसी तरह ना स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कुल 6 प्रकार के से प्रदान किए गए। तो इन स्वतंत्रता में पहली स्वतंत्रता क्या है, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने विचार प्रकट कर सकता है, यानी आपकी क्या राय है, यानी आपको अपनी राय रखने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप आपके सामने वाले कुछ बोलता रहे कि आप उसे जवाब नहीं दे, नहीं, आपको भी जवाब देने का अधिकार है, बशर्ते उस अभिव्यक्ति से उस व्यक्ति के मान की हानि ना हो जाए। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। भारत का प्रत्येक नागरिक क्या कर सकता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन बुला सकता है, आंदोलन कर सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय किसान यूनियन द्वारा और भारतीय किसान के लोगों द्वारा क्या किया जा रहा है, मांग के लिए क्या किया जा रहा है, शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक आंदोलन किया जा रहा है। तीसरा दोस्तों, संघ या सहकारी समितियां। भारत का प्रत्येक नागरिक क्या बना सकता है, किसी भी संघ का गठन कर सकता है, किसी भी संघ का भाग हो सकता है, किसी भी समितियों को बना सकता है और किसी भी समिति का भाग बन सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण। भारत का प्रत्येक नागरिक यदि भारत का नागरिक है तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण कर सकता है। आबाद संचरण का मतलब होता है कि उसे आने जाने में, घूमने फिरने में किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होना। घूमने या बस जाने की स्वतंत्रता। भारत का प्रत्येक नागरिक को क्या मिला हुआ दोस्तों, घूमने व बस जाने की स्वतंत्रता है, वो कहीं भी घूम सकता है और कहीं भी बस सकता है। कोई भी वृत्ति व्यापार। स्वतंत्रता अधिकार के 6 अधिकार क्या दोस्तों, कि उसे कोई भी वृत्ति, बिजनेस, व्यापार करने का अधिकार है, बशर्त और शर्त के आधार पर। व्यापार क्या होना चाहिए दोस्तों, कानूनी और लीगल और ऑथराइज होना चाहिए, इलीगल काम के लिए मनाही की गई है। तो ये हमारे क्या हैं, स्वतंत्रता के अधिकार। अब हम बात करेंगे दोस्तों मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है दोनों में, आखिर दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया है। दोनों ही अधिकार हैं परंतु दोनों को अलग अलग, एक को मूल बोला गया तो दूसरे को राज्य बोला गया है। अंतर मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, अब हम बताएंगे कि किन किन भागों में से अंतर बताने गया है। तो दोस्तों पहला क्या है, पहले में अगर हम बात करें तो जो मूल अधिकार है वह स्वतः लागू होते हैं। क्या होते हैं, स्वतः ही, यानी अपने आप लागू हो जाते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है, यानी वो स्वतः लागू नहीं होते हैं। दूसरी बात करें तो मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं होते हैं। न्यायोचित का मतलब होता है कि अगर मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, इसका पता अभी भी चल जाएगा। तीसरा चीज क्या है, इसे संविधान में वादा किया गया देने के लिए, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है दोस्तों, इन्हें वादा नहीं किया गया। जब वादा ही नहीं किया गया है तो आप किस बात के लिए न्यायालय में जाएंगे, समझ गया ना, ये है। अब ये राजनीतिक अधिकार की स्थापना करते हैं, राजनीतिक अधिकार। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे क्या है कि हमें वोट देने का अधिकार है, तो वोट देने का अधिकार एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है और उसकी स्थापना कौन करता है, हमारा मूल अधिकार। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। ये दोस्तों राज्य के ऊपर प्राप्त होता है, किसके ऊपर, राज्य के ऊपर, लेकिन ये राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, किसकी स्थापना करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और ये विधि के राज्य की स्थापना करते हैं, यानी
कानून के राज्य की स्थापना करते हैं और ये कल्याण के राज्य की स्थापना। कल्याण के राज्य का मतलब होता है दोस्तों कि राज्य जो है ना अपने नागरिकों के लिए ऐसे कानून और ऐसे नियम बना सकता है जिससे उस नागरिकों के विकास हो सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस सुविधा दी गई है, दिल्ली में जीरो मीटर बिल आता है, 200 यूनिट से कम खर्च करने पर आपको जीरो बिल आता है। तो इसे राज्य कल्याणकारी योजनाएं बना सकते हैं किसके लिए, अपने नागरिकों के लिए। अब ऐसा नहीं अगर राज्य ने लागू, दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है, अगर दिल्ली ने लागू कर दिया तो ऐसा नहीं कि पूरे भारत में लागू हो जाएगा, नहीं, ये हर एक राज्य का अपना अधिकार है। यदि वो राज्य संपन्न है, संसाधन से उसके पास आर्थिक रूप से मजबूत है तो ऐसी सुविधाएं अपने नागरिकों को प्रदान कर सकता है। तो समझ गए अंतर क्या है राज्य के मूल अधिकारों में और नीति निर्देश तत्वों में। कोई दिक्कत तो नहीं, भूलोगे तो रटना नहीं है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF भी दे दी, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और समझ अच्छी तरह विकसित कर सकते हैं। और इस वीडियो के बहुत यानी इस डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया है, Chapter 1 भी दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर उसे देख सकते हैं ताकि पहले चैप्टर के भी आपको जो समझ विकसित है उसे विकसित कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार की। क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों की श्रृंखला में छठा अधिकार क्या है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है कि यदि भारतीय संविधान में दिए गए हमारे मूल अधिकारों को उल्लंघन किया जाता है तो हम इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग कर न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। न्यायालय की शरण में जाने मतलब यह है कि अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दोस्तों इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे भारतीय संविधान के अधिकारों का हृदय और आत्मा के रूप में संज्ञा भी प्रदान कर दी है। तो जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमारा शरीर बिना आत्मा के कुछ भी नहीं है, ठीक उसी प्रकार हमारे मूल अधिकार आर्टिकल 32 के बाद कुछ भी नहीं, यानी 32 है तो हमारे मूल अधिकार क्या हैं, सुरक्षित हैं। समझ गए कहने का मतलब, आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं, ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 32 के बिना संविधान कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 ही हमें क्या प्रदान करते हैं, गारंटी और सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था इसी तरह। तो अब दोस्तों न्यायालय किस आधार पर सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो क्या नियम है, क्या तत्व है जिसके आधार पर न्यायालय प्रदान करते हैं? तो न्यायालय अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके क्या जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। क्या जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। और इसके तहत ये लोग 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। चलिए देखते हैं पहले प्रकार का रिट क्या है। पहले प्रकार का रिट क्या है, बंदी प्रतीक्षीकरण। बंदी प्रतीक्षीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना, व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। यदि किसी व्यक्ति को, किसी भी कर्मचारी को, किसी पुलिसकर्मी द्वारा यदि गिरफ्तार किया जाता है और यदि वह व्यक्ति बेकसूर साबित हो जाता है तो उसे तुरंत उस कार्यवाही से, उस लोकअप से आज़ाद करने का अधिकार दिया जाता है। यानी आप किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के ही बोला जाता है बंदी प्रतीक्षीकरण का आदेश। गॉट इट? परमादेश का मतलब दोस्तों क्या होता है, हम आदेश देते हैं। हम आदेश देने का मतलब है कि न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों के आदेश जारी किया जाता है। यदि सार्वजनिक अधिकारी न्यायालय द्वारा बताए गए किसी भी नियम को कार्य नहीं करते तो न्यायालय उन्हें आदेश देकर कार्य करवाने में सक्षम है, इसे दिया जाता है हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा क्या है, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है दोस्तों न्यायालय सरकारी पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जाँच कर सकता है। न्यायालय को अधिकार है अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण करता है और वो पद न्यायालय को थोड़ा लगे संचय बने और न्यायालय को उस पर शक हो तो उस व्यक्ति से उस पद की योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार किसके पास है, न्यायालय के पास। इसे कहा गया जाता है अधिकार परीक्षा। उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण का मतलब होता है मंगा लेना। कभी कभी उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय से उन फैसलों को मंगा लिया जाता है जिन फैसलों पर सही प्रकार से निर्णय उच्च न्यायालय नहीं ले सकते या फैसले में देरी होती है, उसे कहते हैं मंगा लेना। और ये अधिकार किसके पास है, ये उच्च न्यायालय के पास है। और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार जारी कर सकते हैं कि आपके पास जो फैसला है अगर आप उस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो निर्णय कौन ले सकता है,
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ले सकते हैं अपने से नीचे, यानी अपने से नीचे का मतलब क्या है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय अपने से नीचे अधीनस्थ न्यायालय को कर सकते हैं, ठीक, ये होता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है दोस्तों, न्यायपालिका में अगर कोई मामला विचाराधीन है और उस विचाराधीन मामले पर जो उच्च न्यायालय है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसे कहते हैं प्रतिषेध। एक और प्रश्न रह गया हमारे पास, वो है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं दोस्तों, शिक्षा का अधिकार क्या है, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उसे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और इसी शिक्षा का अधिकार को हम क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 21 क्लोज ए यानी अनुच्छेद 21 ए पहले मूल अधिकार नहीं था, पहले ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, इसे 2002 में संविधान में संशोधन के द्वारा क्या बना दिया गया है, मूल अधिकार बना दिया, क्योंकि राज्य और संविधान गारंटी देते हैं कि संविधान और राज्य इतना सक्षम है, यदि उसके पास इतने सारे संसाधन है तो सभी नागरिकों के मूल यानी सभी नागरिकों की शिक्षा प्रदान कर सकता है, तो इसीलिए पहले जो नीति निर्देशक तत्व थे अब वो क्या हो गए हैं, मूल अधिकार हो गए हैं। और एक और प्रश्न ऐसे पूछा जाता है दोस्तों कि धर्म शिक्षा यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, जी हाँ दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को आबाध आचरण से मानने की स्वतंत्रता है, वो किसी धर्म को मान सकता है, उसे अपने विचार से और पूजा पाठ कर सकता है, यानी उसे अपने धर्म को मानने के लिए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं, यानी उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए, धन्यवाद।